नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। कुछ लोग हमारे बीच होते हैं जो कई मायनों में ख़ास होते हैं, और ये खूबियाँ जो उनमें होती हैं उनमें सबसे गौर करने वाली बात ये होती है कि वो बहुत ही सहज और मौलिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरली टैलेंटेड, कंपोज्ड, अपनी धुन के पक्के, मिशन में लगे हुए, बहुत भरोसेमंद और बहुत काबिल। मैं ये सारी बातें जिनके लिए कह रहा हूँ या मेरी मुराद जिनसे है, उनका नाम है नितिन रमेश गोकर्ण। आप मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस ऑफिसर और उत्तर प्रदेश में जो सबसे भारी भरकम और महत्वपूर्ण विभाग है, उस विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है, पीडब्ल्यूडी के साथ जो आरएनएन है, राज्य के निर्माण निगम, उसके आप चेयरमैन भी हैं। तो कहते हैं कि तरक्की अगर प्रदेश में है तो उसका इंजन जो है विभाग होता है, जो दिखता है तरक्की के नाम पर, उसकी जिम्मेदारी इसी विभाग की होती है और उसके सर्वे सर्वा अगुआ जो है नितिन जी हैं। नितिन जी, लोगों ने बताया कि आपको सबसे मुश्किल काम दे दिया गया। हाँ, मुश्किल तो है, चैलेंजिंग है, लेकिन उसको कर दिखाना भी है। तो एक मिशन रहता है कि जो आकांक्षाएं हैं सरकार की और जनता की, खासतौर से सड़क एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई गुजरता है रोज़। मैं घर से निकलता हूं बाहर तो कहीं जाना है मुझे, तो सड़क पे ही गुजरता हूं। तो एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जो कि हर एक को विजिबल है कि सड़क पे कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ कूड़ा है, कहीं कुछ और चीज़ है, तो हर एक को दिखाई देता है। तो सबसे विजिबल आस्पेक्ट यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो वो सड़क है। इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे उसको देखा जाए, ब्रेक किया जाए शब्द को, तो इंफ्रा और स्ट्रक्चर, माने इंफ्रा जो नीचे होता है, स्ट्रक्चर जो ऊपर होता है। तो ये रोड ही एक है जो कि विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी चीज़ें जैसे आपके बिजली के कनेक्शंस हो या पेयजल हो, ये सब ज़मीन के नीचे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट का एक बहुत अच्छा स्कोप है, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़ा एक राज्य है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों के आवागमन के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यदि कोई सेक्टर है तो वो रोड सेक्टर है। सरकार जब लोगों के बीच आती है तो पहली कोशिश यही करती है कि उन सब बातों या उन सब सवालों को दूर करे जिनसे लोगों का सरोकार रोज़ रोज़ का होता है। हम आपको बिजली दे देंगे, सड़क दे देंगे, पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे। एक जिम्मेदारी जो आपके पास है निर्माण की, मैं निर्माण को लेकर के, चूंकि ये बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, सड़क जो है वो पहला है। सरकार जो लोगों से वादा करती है उसको निभाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, और यह आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग इसलिए है कि टोटल रोड लेंथ हमारा बहुत ज़्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश में रोड लेंथ लगभग 2.37 लाख किलोमीटर्स है, और ज़्यादा उसमें सेगमेंट आपका विलेज रोड्स का है, लगभग 1.8 लाख किलोमीटर्स केवल अकेले विलेज रोड्स का है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं रोड्स, वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और सड़क के रोड्स। अब इसमें सड़क के रोड्स में प्लेयर्स बहुत सारे हैं, नगर निगम भी है उसमें, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसीज़ भी हैं, सिंचाई विभाग के भी कुछ सड़कें हैं, लेकिन ले दे करके ये माना जाता है कि पीडब्ल्यूडी रोड सेक्टर का एक बड़ा नोडल विभाग है, और उसको सही रखना, मेंटेन करके रखना, ख़ास तौर से जहाँ पर रोड्स का इस्तेमाल काफ़ी हेवी होने लगा है, क्योंकि कई जगह पे जो डिज़ाइन होता है कैपेसिटी का, उससे अधिक ट्रैफिक आने लगती है जब अच्छी सड़क होती है तो। और वो उसके वजह से जो मान लीजिए हमने 10 साल के लिए डिज़ाइन कर रखा है, वो 2 साल में ख़राब हो जाती है ट्रैफिक ज़्यादा चलने की वजह से, कई जगह ओवरलोडिंग की वजह से, कई जगह बालू खनन, मिट्टी इत्यादि का जो ढोया जाता है उसके वजह से। तो ये लगातार एक प्रक्रिया है जिसकी समीक्षा करते रहने की आवश्यकता रहती है, और क्रस्ट कैपेसिटी का डिज़ाइन, उसका मेंटेनेंस, ये हमेशा रेगुलर चैलेंज बना रहता है। सरकार, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि सड़कें बिना गड्ढे की हो जाएंगी, और कभी कभार ये सवाल रहता है, लोगों की शिकायतें रहती हैं कि ऐसा हुआ नहीं है। जो फीडबैक आता है आपके पास, वो फीडबैक प्रोसेस क्या, चूँकि मैं जब से हूँ, आपने देखा 1.5-2 घंटे के लगातार आप मीटिंग कर रहे थे, फीडबैक कैसे आपके पास आता है? फीडबैक के हमारे कई सारे तरीके हैं। एक तो जनता के माध्यम से गड्ढा मुक्ति के लिए निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है पीडब्ल्यूडी द्वारा, और ये कोई भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर उसको डाउनलोड करके जहाँ उसको गड्ढा दिखाई दे उसको अपलोड कर सकता है,
और हमारा ये कि 48 घंटे के भीतर हम स्टेट हाईवे MDR ODR को हम ठीक करा दें और एक सप्ताह के बीच में हम विलेज रोड्स को हम ठीक करा के उसको अपलोड करा के वही पिक्चर्स हम कर दें। लेकिन कई बार ये होता है कि केवल गड्ढे से इशू सॉल्व नहीं होता है, कई जगह पर क्रस्ट का पूरा पूरा एक तरीके से डिग्रेडेशन हुआ रहता है, तो हमको फिर मेजर रिपेयर्स करने की ज़रूरत पड़ती है जो पीरियोडिकल रिपेयर्स या स्पेशल रिपेयर की श्रेणी में आता है, जिसके लिए फिर हमको एस्टिमेट वगैरह बना के कराना रहता है। तो हम लोगों ने उसकी प्रणाली बना रखी कि ऑनलाइन हम इस प्रकार के सारे एस्टिमेट्स मंगाते हैं, जहाँ पे लैट लॉन्ग के साथ में हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम उसको पूरा अपलोड कराते हैं और उसको फिर देख करके सैंक्शनिंग की प्रक्रिया मुख्यालय से कराते हैं। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए काफ़ी पैसा हम लोगों ने निवर्तन पे दे रखा है ENC PWD के यहाँ पर, लगभग 2000 करोड़ का पैसा जो है निवर्तन पे दिया जाता है। 40 लाख से नीचे के जितने काम है ENC PWD अपने स्तर पे ही उसको सैंक्शन करते हैं, ताकि त्वरित गति मिले कि हर चीज़ को शासन में आने की ज़रूरत ना पड़े। और जो बड़े लेकिन उससे 40 लाख से ऊपर के रहते हैं, जहाँ पर कि चीज़ों को कराना रहता है, उसको हम लोग टेकअप करते हैं। पिछले साल में हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट इन रोड क्वालिटी प्रोग्राम, जिसको हम IRQP कहते हैं, उसको हमने बड़े पैमाने पर टेकअप किया और एस्टिमेट्स में भी क्रस्ट में इमल्शन ट्रीटेड सब बेस और सीमेंट ट्रीटेड सब बेस एक नई प्रणाली का इजहार किया, जो कि IRC 36 में शामिल किया गया और जो UPPWD ने किया, ये IRC एक स्टैंडर्ड बन गया है और बाकी राज्य भी उसको अब ले रहे हैं। उससे फ़ायदा हमारा ये रहा कि लगभग जो हमारे एग्रीगेट्स थे 25% की उसमें कमी आई है और लगभग 30% कॉस्ट में हमारी कमी आई है। तो जितना हमने एग्रीगेट्स बचाया, हम लोग कहते हैं कि गाज़ियाबाद से गाज़ीपुर हम 4 लेन सड़क उतने एग्रीगेट से पूरे प्रदेश में हम बना सकते हैं। लगभग 900 करोड़ का हमने उसमें बचत भी किया और क्वालिटी में भी उसमें इम्प्रूवमेंट रहा। जो हमारे पास फीडबैक है IRQP प्रोग्राम का और जो ट्रीटेड सब बेस के क्रस्ट है, उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हमको मिलने आ रहा है। साथ ही साथ इसमें जो टेस्ट प्रोफाइल रहता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन या IRQP के बाद उसको टेस्ट प्रोफाइल कराने की जो स्केड्यूलिंग रहती है, उसको भी हम लोग अब मॉनिटर करने लगे हैं शासन स्तर से, जो पहले XCN या SC स्तर पर ही होता था। यानी कि ऊपर तक जो है वो चीज़ें रहती हैं। नितिन जी कह रही हैं कि अगर आपकी योजना ठीक है और आप अपनी टीम को लेकर लगातार लगे हुए हैं, तो 2-3 बातें होती हैं, क्वालिटी बेहतर हो जाती है, पैसे की बचत होती है और काम की रफ्तार बढ़ जाती है। आपको वैसे ऑफिसर के तौर पे जाना जाता है, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे इत्तफाक होते रहे और इत्तफाकों का सिलसिला ही आपकी ज़िंदगी है। कहा यह गया कि तब आपने PG किया, उसके बाद आप UPSC में बैठे और आप पहले IPS हुए, तो थोड़ा मुझे उधर ले चलिए। ये तो शुरुआती जीवन पे आप ले जा रहे हैं। खैर, उस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना शौकिया एक होता था कि पता चला हर सैटरडे संडे को किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना, तो ये भी था कि UPSC भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें इसको भी बैठना है। कई में मैं पास भी होता था, कई में सफलता भी नहीं मिलती थी। UPSC में सफलता मिल गई, प्रीलिम्स में निकल गए, तो फिर हुआ कि दिल्ली मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए जाना था, तो किसी तरह इंटरव्यू हो गया दिल्ली का। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं दिया कि इसमें होगा नहीं होगा, वो एक तरीके से उसको उतना करके छोड़ दिया कि चलो एक अनुभव के तौर पर उसको देखा, कि उसको बहुत ऐसा सीरियसली भी नहीं लिया कि हो सकता है कि हो ही जाए, हो सकता है ना हो, या तो कोई मायूसी हो, इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। अचानक मैं कहीं अपने गांव गया था, तो लौट के आके देखा तो IPS में सिलेक्शन का उसमें पड़ा हुआ था। तब भी ये नहीं था कि उसको ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, मतलब तो ये कोई था नहीं कि IPS हो का आ गया है ऑफ़र लेटर तो बहुत खुशी हुई हो, या इट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कि कहीं एग्ज़ाम पास हो गया कहीं नहीं हुआ, उसमें ये भी था। लेकिन फिर एक घर पे एक वाकया हो गया, फिर हुआ मन कि नहीं उसमें IPS में चलते हैं। तो पहुंचने के बाद एकेडमी में, क्योंकि मुंबई में उन दिनों रहता था, तो एकेडमी में पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले जाके 2-4 लोगों से पूछा है IPS में लोग करते क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे लिए केवल अखबारों में हम लोग उस समय मुंबई के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे जूलियो रिबेरो या उन लोगों को हम लोग पढ़ते थे, लेकिन एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि होता क्या है इसमें और वाकई में चैलेंजेस क्या है, किस तरीके की नौकरी है। क्योंकि हमारे परिवार में तो कोई ब्यूरोक्रेसी में था नहीं, न ऐसे किसी शख्सियत से हमारा कोई ताल्लुक था जो कि कभी किसी ब्यूरोक्रेसी का साथ रहा हो,
तो हमारे लिए भी एक नया अनुभव था, इसलिए इत्तेफाकन ब्यूरोक्रेसी में आने का एक कदम हुआ वो। तो फिर आप शायद उत्तर प्रदेश में बतौर IPS आए, IAS कैसे? वो भी बड़ा अजीब सा है वाकया कि उस समय मैं ASP आगरा के रूप में तैनात था, तो उन दिनों में हमारे जो SSP थे उन्हें हमें चाय पे बुलाया था 4 बजे, अभी मुझे याद है, अपने लॉन पे उन्होंने बैठाया और फिर ऐसे ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे तरफ देखा, कहा कि तुम लगता है अभी बहुत कम उम्र में आए हो। मैंने कहा हाँ साहब, मैं 21-22 साल में आया हूँ इसमें नौकरी में, सबसे पहले अटैम्प्ट में आ गया था। बोले अभी तुम्हारे पास अटैम्प्ट है? मैंने कहा अटैम्प्ट तो है, तो फिर जाओ देखो IAS में क्या हो सकता है तुम्हारा, चूँकि IPS में है बहुत अच्छी फील्ड, आप लोगों को काफ़ी कुछ समाज के लिए कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड हो जाता है, मतलब SSP के बाद फिर DIG IG TG में उतना आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, चूँकि पॉलिसी मेकिंग पुलिस में बहुत फील्ड है नहीं, और उसके बाद आपके पास केवल स्पेशलाइजेशन या तो क्राइम में रहता है या लॉ एंड ऑर्डर में रहता है या VIP ड्यूटी में रहता है, इस प्रकार के बहुत नैरो फील्ड्स हैं। लेकिन IAS में यह कि आप अलग अलग विभागों को भी आप देख सकते हो। उन्होंने कहा था कि मुझे कि भाई आप जैसे एनिमल हस्बेंड्री को आपने देखा या आपने इरीगेशन को देखा या आपने सेरिकल्चर को देखा, तो हर असाइनमेंट आपके लिए एक नया नया अनुभव आपको लाएगा और उससे आप ग्रो करेंगे, तो आप स्टैगनेट कहीं करेंगे नहीं जीवन में। तो मुझे वो बात अच्छी लगी, मैंने कहा नहीं इसमें बैठना चाहिए, देखते हैं होता है तो होता है, नहीं होता तो है ही है। तो इसीलिए मैं केवल 15 दिन का अवकाश लेकर के मैं इस 15 दिन में जो पढ़ाई हो सकती थी वो पढ़ाई की और उसी में इसमें हो गए थे। तो ऐसा इसमें भी उस समय भी नहीं था कि IAS जो है वो बनेंगे या क्या होगा, जेनरिक पढ़ाई होती उसी में हुई। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ लोग नेचुरल टैलेंटेड होते हैं, कई साल के प्रिपरेशन के बाद सिविल सर्विस में बैठता है, आप ऐसे ही आए और आप सिविल सर्विस में बैठे IPS हो गए। एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि देखो IAS तुम्हारे लिए बेहतर है, ये शायद तुमको सूट नहीं करता है IPS। फिर आप IAS के लिए उस नौकरी करते हुए बैठे और फिर आप IAS में आ गए। तो ये कुछ ऐसी खूबियाँ होती हैं जो कुछ एक लोगों में होती हैं, और मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि मैंने पहले आपसे कहा कुछ लोग कुछ मायनों में बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि वो मौलिक होते हैं और बहुत सहज होते हैं। कहा यह जाता है कि परिवार आपका जो है वो गांव से ताल्लुक़ रखता रहा, पापा जो हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिसर्च करते थे, आप इधर इत्तफाकन आ गए या फिर घर परिवार कुछ और चाहता था और आपने बस एग्ज़ाम दे दिया था तो इधर गाड़ी बढ़ गई? नहीं, घर परिवार ये चाहता नहीं था कि मैं किसी ब्यूरोक्रेसी वगैरह में जाऊं। उस समय मैं मुंबई में पढ़ता था, तो बट नेचुरल वहाँ पे जितने मेरे लोग थे, सहपाठी जितने थे, वो या तो विदेश जाना चाहते थे या कॉरपोरेट लाइफ में जाना चाहते थे। बल्कि मेरे जितने कजिन्स हैं या मेरे अधिकतर 75-80% जो मेरे बैच के लोग हैं वो सब विदेश हैं या तो फिर कॉरपोरेट में, तो हमारा भी लाइन करीब करीब वही था। और यदि कोई मुझे कहता कि मैं ब्यूरोक्रेसी जाऊंगा और UP में काम करूंगा, तो मैं तो उस समय हो सकता है उसके मुंह पे हंस देता कि क्या कह रहे हो, तो संभव नहीं है। लेकिन एक जीवन में कुछ मोड़ आ जाते हैं तो उस दिशा में आदमी निकल लेता है। मैंने सुना कि आप जब IAS में आए तो बनारस मिल गया आपको, कलेक्टर आप बनारस के हो गए, और एक दौर आया कि आपको लगा कि नहीं मुझे ये छोड़ के रिसर्च करना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक्स से आप हैं। मैं आपको बताऊं, आप इकोनॉमिक्स से आपने ऑनर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं मुंबई से, आपने PG भी किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, तो पढ़ने पढ़ाने की तरफ रुझान रहा है, रुचि रही है। तो IAS रहते समय, कलेक्टर रहते समय आपने एक बार सोचा कि हम छोड़ते हैं, रिसर्च के लिए तरफ चलते हैं, छुट्टी भी ले ली गई थी, पता चला कि फिर बनारस ने आपको रोक लिया और आप कमिश्नर बना दिए गए। एक ये अजीब वाकया हुआ, चूँकि मैं लगभग 5 साल में प्रदेश से बाहर रहा डेपुटेशन पे, और लौट के आने के बाद मुझसे कहा गया कि आप DM बनारस हो जाइए। मैंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की थी बनारस जाने का, बल्कि मुझे याद है कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री से मैंने कहा था कि मुझे बनारस नहीं जाना है, किसी और को आप भेज दें, तो बड़े मुझ पर नाराज़ हुए थे। और नाराज़ होकर मुझे एक तरीके से कहा गया था कि आप शाम तक आप अपना ज्वाइनिंग रिपोर्ट दे दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से मेरा बनारस में आगमन हुआ, बड़े बेमन से मैं गया था बनारस। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक तरीके से धीरे धीरे उससे लगाव हो गया। पर उसके बाद भी मेरी इच्छा ये थी कि अब कलेक्ट्री तो हो गई, अब आगे क्या, तो आगे सोचा कि कोई रिसर्च में चले जाते हैं। मेरा
आई एम बैंगलोर में मैंने कोर्स कर लिया बीच में सबैटिकल लेकर के, तो उसके बाद मेरा वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम में मेरा थीसिस के लिए भी जो प्रपोजल था वो भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, मुझे एडमिशन भी मिल गया था, 2 साल का मैंने छुट्टी भी ले लिया था और लगभग मैंने अपने बैग्स वैग सब पैक कर लिए थे छुट्टी का के लिए, था कि 2 साल इधर रहेंगे उसके बाद 1-2 साल में पीएचडी होकर के फिर कहीं और देखते हैं पढ़ाने का इत्यादि काम करेंगे रिसर्च करने के बाद। लौट के आने का मतलब मन नहीं था, इरादा भी नहीं था, लेकिन जिस दिन वो सरकार बनी तो तत्काल उसकी रात में मुझे बताया गया कि मेरा पोस्टिंग द्वारा कमिश्नर बनारस हुआ, तो ये मेरे लिए बड़ा एक झटका लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं संकट में पड़ गया। वाराणसी को मैं मना तो कर नहीं सकता था, लेकिन वाराणसी न जाना मेरे लिए अपने आप को मैं खुद माफ़ भी नहीं कर सकता था कि एक मौका जो है जीवन का दोबारा से वाराणसी में कार्य करने का वो मैंने गंवा दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, वाराणसी जाना ज़्यादा ज़रूरी है, पीएचडी बाद में भी कभी कर लूँगा। वो फिर पीएचडी का जो चैप्टर था वो लगभग उसी समय फिर बुझ गया। बनारस आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल रखता है, आज बनारस से प्रधानमंत्री सांसद हैं और बनारस में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वैसे चल रहे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी आपके विभाग के ऊपर है। बनारस को लेकर के आपने जितनी परियोजनाएं प्रोजेक्ट्स वहाँ रखी हैं उनको आप खास तवज्जो देते हैं और चूँकि प्रधानमंत्री का है या फिर कोई अपनी अलग से स्ट्रैटजी रहती है? नहीं, वाराणसी तो ऐसे चूँकि एक कोई ऐसा शहर जिसमें आपने 5 साल कार्य किया हो विभिन्न कैपेसिटी में, 1 साल एज कलेक्टर और फिर 1 कैपेसिटी में कमिश्नर और फिर दोबारा उसी जगह पे कमिश्नर, तो एक तरीके से एक लगाव हो गया है उस शहर के प्रति, वहाँ के लोगों के प्रति। और ये भी रहता है कि वहाँ पर जिस भी विभाग में हैं तो उसके बारे में फीडबैक बहुत आ जाता है और उसके पल पल की खबर लोग बताते रहते हैं कि आज यहाँ इस सड़क पे ये हो गया, यहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। तो उसके प्रति सजगता रख करके और ख़ासतौर से जो बड़े परियोजनाएं हैं जो पीडब्ल्यूडी या NHAI जो कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उस पर एम्फोसिस करने के लिए कि ताकि ये जल्दी उसका कार्य हो करके गुणवत्ता के साथ में जो जनता के लिए लाभदायक हो उस तरीके से कार्य करने का एक पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक अच्छा स्कोप है। मैं अभी लखनऊ क्या मतलब गाज़ियाबाद से गोरखपुर तक गया था, सड़क बहुत अच्छी मिली मुझे और मैं वन गो में गोरखपुर तक चला गया था। बतौर इस विभाग के एक बहुत ज़िम्मेदार ऑफिसर के तौर पर उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस विभाग की ज़िम्मेदारी आपके पास है, अगले 2-3 वर्षों में आप उत्तर प्रदेश की तस्वीर को किस तरीके से देख रहे हैं? एक तो जो हमारे परियोजनाएं इस समय चल रही हैं ख़ासतौर से NH के 4-लेनिंग के, उसमें वाराणसी एक मुख्य बिंदु है, क्योंकि एक वाराणसी को यदि आप ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के रूप में देखेंगे तो कई सारे नेशनल हाईवेज उस वाराणसी को क्रिस क्रॉस करते हैं, तो वाराणसी गोरखपुर हुआ, वाराणसी टुवर्ड्स बिहार हुआ या नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। कुछ लोग हमारे बीच होते हैं जो कई मायनों में ख़ास होते हैं और ये खूबियाँ जो उनमें होती हैं उनमें सबसे गौर करने वाली बात ये होती है कि वो बहुत ही सहज और मौलिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, नेचुरली टैलेंटेड, कंपोज्ड, अपनी धुन के पक्के, मिशन में लगे हुए, बहुत भरोसेमंद और बहुत काबिल। मैं ये सारी बातें जिनके लिए कह रहा हूँ या मेरी मुराद जिनसे है उनका नाम है नितिन रमेश गोकर्ण। आप मेरे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सीनियर IAS ऑफिसर और उत्तर प्रदेश में जो सबसे भारी भरकम और महत्वपूर्ण विभाग है उस विभाग की जिम्मेदारी आपके पास है, PWD के साथ जो RNN है राजकीय निर्माण निगम उसके आप चेयरमैन भी हैं। तो कहते हैं कि तरक्की अगर प्रदेश में है तो उसका इंजन जो है विभाग होता है, जो दिखता है तरक्की के नाम पर उसकी जिम्मेदारी इसी विभाग की होती है और उसके सर्वे सर्वा अगुआ जो है नितिन जी हैं। नितिन जी, लोगों ने बताया कि आपको सबसे मुश्किल काम दे दिया गया। हाँ, मुश्किल तो है, चैलेंजिंग है,
लेकिन उसको कर दिखाना भी है, तो एक मिशन रहता है कि जो आकांक्षाएं हैं सरकार की और जनता की, खासतौर से सड़क एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई गुजरता है रोज़। मैं घर से निकलता हूँ बाहर तो कहीं जाना है मुझे तो सड़क पे ही गुजरता हूँ, तो एक ऐसा इंट्रैक्शन होता है जो कि हर एक को विजिबल है कि सड़क पे कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ कूड़ा है, कहीं कुछ और चीज़ है, तो हर एक को दिखाई देता है। तो सबसे विजिबल आस्पेक्ट यदि इंफ्रास्ट्रक्चर का है तो वो सड़क है। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे उसको देखा जाए, ब्रेक किया जाए शब्द को, तो इंफ्रा और स्ट्रक्चर, माने इंफ्रा जो नीचे होता है, स्ट्रक्चर जो ऊपर होता है, तो ये रोड ही एक है जो कि विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी चीज़ें जैसे आपके बिजली के कनेक्शंस हो या पेयजल हो, ये सब ज़मीन के नीचे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत विजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट का एक बहुत अच्छा स्कोप है, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़ा एक राज्य है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों के आवागमन के लिए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यदि कोई सेक्टर है तो वो रोड सेक्टर है। सरकार जब लोगों के बीच आती है तो पहली कोशिश यही करती है कि उन सब बातों या उन सब सवालों को दूर करे जिनसे लोगों का सरोकार रोज़ रोज़ का होता है। हम आपको बिजली दे देंगे, सड़क दे देंगे, पानी की व्यवस्था ठीक करेंगे। एक जिम्मेदारी जो आपके पास है निर्माण की, मैं निर्माण को लेकर के, चूँकि ये बहुत बड़ा विभाग है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सड़क जो है वो पहला है। सरकार जो लोगों से वादा करती है उसको निभाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, और यह आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग इसलिए है कि टोटल रोड लेंथ हमारा बहुत ज़्यादा है। पूरे उत्तर प्रदेश में रोड लेंथ लगभग 2.37 लाख किलोमीटर्स है, और ज़्यादा उसमें सेगमेंट आपका विलेज रोड्स का है, लगभग 1.8 लाख किलोमीटर। चल मैं रहा हूँ, लेकिन मैंने नौकरी बुंदेलखंड में भी की है, आगरा डिवीज़न में भी की है, पहाड़ों में भी की है, बरेली डिवीज़न में भी की है, तो मुझे आइडिया काफ़ी पूरे प्रदेश का है। ज़्यादा समय मेरा हाँ ज़रूर पूर्वांचल के तरफ रहा है, और पूर्वांचल में कई सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। टैलेंट में वहाँ कोई कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में भी इंस्टीट्यूशंस एक से एक है। समस्या ये है कि हम लोगों ने उसको डेवलप नहीं किया है टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब वहाँ पर एक चीज़ यदि शुरू हो जाए कि वहाँ के लड़के अपने आप को कहीं काम करना, नौकरी करने के बजाय ये सोचे कि भाई मैं कैसे कोई कंपनी, इंडस्ट्री, कोई उद्योग इस तरीके से लगा करके दूसरों को कैसे मैं रोज़गार दे सकता हूँ, जब ये वाली बातें वहाँ आएंगी पूर्वांचल में, तो मैं समझता हूँ कि पूर्वांचल बहुत तेज़ी से बदलेगा। पूर्वांचल के नौजवानों के लिए एक मैसेज है, और मुझे लगता है कि ये ज़रूरी सा है। नितिन जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।